दो दो चार चार साल आठ आठ छः छः साल के बच्चों को बंधक बना के उनका गला काट दिया, उनको जिंदा जला दिया। ये इंसान करे, वो कोई सेना करेगी देश? नहीं करेगी सर। ये राक्षस करेंगे, ये आतंकवादी करेंगे। राहुल गांधी ने सबसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली, बड़ी बढ़िया चीज थी, लेकिन उनको जाना चाहिए सबसे पहले अक्षय चीन, जो इनके अबू ने दिया है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान इनके अबू ने बनाया, जो पार्टी ने, एक कांग्रेस पार्टी ने ही पाकिस्तान बनाया है, इसको कोई डिनाई कर सकता नहीं करेगा, क्योंकि बनाया है स्टालिन। जो तमिलनाडु क्या बोलता है कि तमाम सनातनी डेंगू मलेरिया मच्छर की तरह उनको खत्म। यार मजा आ गया, तुमने चपरासी बनने की औकात ना है, अब तुमने बनना है कि एसपी बनना, डीएसपी बनना है, तुमने तीन चार स्टाल अगर कैसे लग जाओ भाई। अब उनके नज़र में तो राहुल गांधी युवा है, मैं तो घर पैदा ही हो रहा हूँ उनकी नज़र में, मैं भी युवा हूँ भाई। अच्छा खासा रोजगार है, 35-40 हज़ार रुपये मिला, क्या दिक्कत है हमने, ठीक है। अब तुम रोजगार चाहिए तब ना, सरकारी जॉब को सर रोजगार मानोगे तो बेरोजगार जिंदगी भर रहना पड़ेगा। हाँ तुम अगर रोजगार उसको मानते हो कि आतंकवाद हमारा छीन लिया, सेना पे पत्थर बरसाते थे, ठीक है, मासूम पे जुल्म करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, आए दिन हिंदू विरोधी नारे लगाते थे, आए दिन देश विरोधी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उसमें भी 2-4 हज़ार लोग बेरोजगार हुए हैं। अब नहीं होता, वो पहले हुआ था, अब नहीं हो रहा। क्या लगता है सर, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देख के क्या लगता है? देखो लगना क्या है सर, अब केजरीवाल जी का घर का कुछ फोटेज हैं जो लगाए गए। आठ भाई बंदा 7-8 साल मुख्यमंत्री रहा है सर, घर वर तो बनवाएगा ना, वो गाड़ी वाड़ी ना लेगा यार, ये कैसी बात कर रहे हैं। अब जैसे भाई ने बात करी कि बेरोजगार कर दिया, यार क्या बात कर रहे हैं। जब वो जैसे ही मुख्यमंत्री बना था, दंगे स्टार्ट करवाए, वो पत्थरबाज को 500-500 रुपये मिलते थे कि ना, अब वो बेरोजगार हो गए, अब इनको दिक्कत हो रही है, ठीक है। जो आतंकवाद फैलाते थे, जो कश्मीरी में हम देखते थे पत्थरबाजी, वो दिल्ली में हमने देखी लगभग 1.5-2 साल देखी, शाहीनबाग के प्रकरण में देखी। उनका एक वो था, क्या नाम उसका, पार्षद तायर हुसैन था ना, आतंक कहते ना यार, बम फोड़ रखे थे उसने, पेट्रोल बम छत पे जमा कर रखे थे, वो भी इनका ही था बंदा, ठीक है। रोजगार था कि नहीं इसके पास भाई, वो तो पार्षद नहीं नहीं, अरे मैं कांग्रेस, अरे नहीं नहीं कांग्रेस, वो सॉरी आम आदमी, अरे आम आदमी, आम आदमी पार्टी का, हाँ आम आदमी पार्टी, नहीं 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 मतलब आम आदमी पार्टी का बंदा था, अब उसको पार्षद बना रखा था, प्लस वो कितने लोगों को रोजगार दे रहा था, जो गुलेल चला रहे थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, जो पेट्रोल बम चला रहे थे, जो वहाँ पे मासूम लोगों पे आगजनी कर रहे थे, जो टायर जला रहे थे, वो सारे कौन थे? इनकी नज़रों में रोजगारी थे, वो सारे रोजगारी थे। अब जिनको मोदी सरकार ने बैन कर दिया, बंद कर दिया, पहले कश्मीर में होता था बंद कर दिया, बंगाल में भी लगभग बंद हो गया, केरल में पहले होता था सड़कों पे, आए दिन गाय काट दी, हिंदुओं को मार दिया, ये सब बंद कर दिया। बेरोजगार कौन, यही तो है। अब रोजगार क्या होता है सर, रोजगार कलेक्टर बना दो तुमको सरकार, अगर तुम्हें को जॉब दे दे DSM की, IPS बना दे, तो वही तुम्हें कुब्बती होनी चाहिए, कुब्बत है ना, तुमने चपरासी बनने की औकात ना है, अब तुमने बनना है कि SP बनना, DSP बनना, तुमने 3-4 स्टाल अगर कैसे लग जाओ भाई। तुम जिस जो तुम्हारी औकात है, और एक बात बताओ, ये हिंदुस्तान में 142 करोड़ लोग हैं, और जब 142 करोड़ लोग हैं तो खपत ज़्यादा है, ज़्यादा आइटम लगेगा, ज़्यादा खपत होगी, जब ज़्यादा खपत होगी तो ज़्यादा पैदा भी ज़्यादा होना पड़ेगा, तो जब ज़्यादा पैदा होगा तो लोग भी लगेंगे ना उसमें, लगेंगे। एक चीज़ बताओ, कोई सा भी काम खोल के देख लो, आप यहाँ पे ACP में खड़े हम, यहाँ पे छोटी सी दुकान, आप 1,000 रुपये का इन्वेस्ट करके कुछ भी खोल लीजिए सर, 2,000 रुपये कमा के 1,000 रुपये डेली कमा हो गए, लेकिन तुमने रोजगार क्या मांगते हो तुम? सरकारी जॉब। तो सरकारी जॉब को सर रोजगार मानोगे तो बेरोजगार जिंदगी भर रहना पड़ेगा। हाँ तुम अगर रोजगार उसको मानते हो कि आतंकवाद हमारा छीन लिया, सेना पे पत्थर बरसाते थे, ठीक है, मासूम पे जुल्म करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, आए दिन हिंदू विरोधी नारे लगाते थे, आए दिन देश विरोधी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उसमें भी 2-4 हज़ार लोग बेरोजगार हुए हैं, अब नहीं होता, वो पहले हुआ था, अब नहीं हो रहा। अब उसमें भी 2-4 लोग बेरोजगार हुए हैं, 2-4 हज़ार लोग, तो अब इस टाइप का अगर देखोगे तो सारे बेरोजगार हैं भैया, बाकी अपन भी हैं, ठीक है, मैं भी युवा हूँ कि बूढ़ा होना हूँ। अब उनके नज़र में तो राहुल गांधी युवा है, मैं तो घर पैदा ही हो रहा हूँ उनकी नज़र में, मैं भी युवा हूँ भाई। अच्छा खासा रोजगार है, 35-40 हज़ार रुपये मिला, क्या दिक्कत है हमने, ठीक है। अब तुम रोजगार चाहिए तब ना, तुमने सारा पॉलिटिक्स करनी है, अब पॉलिटिक्स करनी है भैया, तो जब उस हिसाब से तुम कोई भी आएगा तो भाई दिक्कत ही है ना सर, कि 70 बनाम 30 की लड़ाई है। ये सारी पार्टियां क्यों इकट्ठी हुई हैं, इनको पता है क्यों आएगा मोदी ही, अगर इनको पता ना होता ना, इनको अगर जरा सा डाउट होता मोदी ना आएगा, तो इकट्ठे ही ना होते यार, कुत्ते बिल्ली वाली। कांग्रेस पुरानी पार्टी है,
राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, वो गलती कर, छोटी छोटी जितने दलें हैं सब इकट्ठा हो गई जो रीजनल हैं, जिनकी पकड़ है जो है धरातल पे, और जो है 12 से 14 राज्यों में उनका शासन है, ऐसे हल्के में थोड़ी ना ले सकते आप। यही तो दिक्कत कर दी राहुल गांधी ने सबसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली, बड़ी बढ़िया चीज थी, लेकिन उनको जाना चाहिए सबसे पहले ऑक्साइड चीन जो इनके अब्बू ने दिया है, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान इनके अब्बू ने बनाया, जो पार्टी ने एक कांग्रेस पार्टी ने ही पाकिस्तान बनाया है, इसको कोई डिनाई कर सकता नहीं करेगा क्योंकि बनाया इनने। बांग्लादेश किसने बनाया 1971 में, इनने बनाया, इनने ही तो दंश बोए हैं, इनने ही तो कैंसर का बीज बोया है कांग्रेस पार्टी ने। अब जब इनने बोया है तो तुम बलूचिस्तान लेकर जाते, पीओके उनके पास क्यों है, इसका जवाब कोई किसी के पास है कांग्रेस? एक बात बताओ, पाकिस्तान भारत से कोई युद्ध जीता है कभी? हमको हराया है नहीं। आधा कश्मीर, 30% कश्मीर इनके पास कैसे है? ऑक्साइड चीन इनके पास कैसे है? चाइना के पास, तो इनके अब्बू ने दिया, इनके बाप दादाओं ने दिया, तो ये वहाँ जाते ऑक्साइड चीन के पास बलूचिस्तान पीओके लेके आते, फिर उसके बाद हिंदुस्तान से शुरू करते कि भाई भारत जोड़ो, हम भी साथ होते। यार तुमने दिया वो तो सुधारो पहले, ये फर्जी हैं सारे। और ये अभी देखो इनके बौखलाहट के चिन्ह देखो, ये किसके साथ हैं? स्टालिन जो तमिलनाडु क्या बोलता है कि तमाम सनातनी डेंगू मलेरिया मच्छर की तरह उनको खत्म। यार मजाक है, ये हिंदुस्तान किसका है? मानता हूँ सबका है, लेकिन ज़्यादा कौन है? 80% 70% कौन है? हिंदू है, सनातनी है, ठीक है, ये धर्म एक है। हर धर्म के 10-10, 15-15, 57 कंट्री, 185 कंट्री हर धर्म के, एक हमारा हिंदू ना हो सकता? हिंदू राष्ट्र हमारा एक ना हो? चलो नहीं मान लिया धर्म निरपेक्ष देश है, तो तुम उसको सनातन को ख़त्म कर दोगे? अब उसके साथ ही हैं। एक चीज़ बताओ, जो बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे उसके साथ ही हैं, ठीक है सर, और जो ये हमास के साथ खड़े होते हैं ये उसके साथ है। खैर ये भी खड़े हैं, अभी इनने बिल पारित किया ये हमास के साथ कौन खड़ा होता है पता? जो हमास के साथ वो खड़ा होगा सर, जो 1990 कश्मीर में जो हिंदुओं का बलात्कार हुआ, अत्याचार हुआ, वो ना जो उसके साथ खड़े हैं ना 1990 कश्मीर के साथ, वो इनके साथ खड़े हैं। और बताऊँ, जो केरल के साथ खड़े, जो बंगाल के साथ, बंगाल के आतंकवादियों के साथ खड़े, वो इसके साथ। जो हिजबुल्ला हर आतंकवाद का समर्थन, जो आतंकवाद का समर्थन करेगा वो हमास के साथ खड़ा होगा। हमास ने क्या किया? मैं मानता हूँ मैं फिलिस्तीनी शायद आम नागरिकों के साथ मैं भी खड़ा होऊंगा इंसानियत के नाते, लेकिन सर उनने किया क्या? तुमने, तुम्हारा देश है, तुम फौज बनाओ अपनी, तुम फौज से मुकाबला करो, तुमने क्या किया? दो चार साल के बच्चों को बंधक बना के उनका गला काट दिया, उनको जिंदा जला दिया। ये इंसान करे? वो कोई सेना करेगी देश? नहीं करेगी सर, यो राक्षस करेंगे, यो आतंकवादी करेंगे, यो वही करेंगे जिसने बंगाल में, केरल में, कश्मीर में जो हिंदुओं का नरसंहार। और सुनिए सर एक चीज़ बता, मैं 2-3 वीडियो वो भी देखे हैं, एक महिला प्रेग्नेंट थी सर, 6 महीने का शायद बच्चा होगा, 6-7 महीने का, इससे ज़्यादा नहीं होगा, उसका पेट काटा। आप काट लोगे? आप मान लो मैं भी सेना में, मैं नहीं काटूंगा, मैं ये कर सकता हूँ? कोई इंसान कर सकता है यार? कोई इंसान नहीं करेगा ये। इजराइल ने कोई वीडियो ऐसा जारी किया कि बच्चों को मार रहे हो, किसी महिला पे अत्याचार, नग्न घुमा रहे हैं? नहीं, इनने ही किया है सर, ये इंसान नहीं हो सकता। और जो इनका समर्थन करेगा वो हर मानवता का हरण कर रहा है, इंसानियत का गला घोट रहा है, ये सारे वही हैं जो हमास है। क्लियर सी बात।